आइए एक सवाल हल करते हैं। अगर 1 किलो टमाटर का मूल्य 30 रुपये है तो 250 ग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हम 30 रुपीज़ को 1000 से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आसान भाषा में कहें तो 30 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। हमको जो आंसर मिलता है वो है 7.5। ये जो आंसर हमको मिला है 7.5, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है 7 जो कि इंटीजर है, दूसरा है 0.5 जो कि फ्रैक्शन है। अगर ये फ्रैक्शन ना हो तो हम कभी भी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर कभी भी हम निकाल नहीं पाएंगे। आखिर इस फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में हमें किसने बताया? कौन है वो साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्या होती हैं? आइए आज हम बात करते हैं अल-उक्लिदिसी की। अल-उक्लिदिसी डेसिमल फ्रैक्शंस के लिए जाने जाते हैं। अल-उक्लिदिसी वह मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने अब तक की जानकारी के अनुसार सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल पॉइंट और अरबिक न्यूमरल्स के पोजिशनल यूज़ के ऊपर किताब लिखी। अल-उक्लिदिसी का पूरा नाम अबुल हसन अहमद बिन इब्राहिम अल-उक्लिदिसी था। वह एक मुस्लिम अरब मैथमेटिशियन थे। उनका जन्म 920 ईस्वी में हुआ। अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म डमास्कस में हुआ होगा। अहमद सलीम साइदान, जो कि एक हिस्टोरियन ऑफ मैथमेटिक्स हैं, उन्होंने 1966 में अल-उक्लिदिसी की किताब किताब अल फसूल फिल हिसाब अल हिंदी के ऊपर इसिस में पेपर पब्लिश किया, जिसमें वो लिखते हैं, इस किताब में एक विचार जो सबसे ज़्यादा जिक्र करने के लायक है वह है दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शंस। अल-उक्लिदिसी डेसिमल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल जिस तरह से करते हैं, दशमलव के चिन्ह की सराहना करते हैं और एक बेहतर चिन्ह का सुझाव देते हैं। अलकाशी, जिन्होंने अपनी मिफ्ताहल हिसाब में दशमलव अंशों का इस्तेमाल किया, वह नहीं बल्कि अल-उक्लिदिसी, जो उससे 5 शताब्दी पहले गुजरे हैं, अब तक के पहले मैथमेटिशियन हैं जिन्हें दशमलव अंकों के बारे में लिखने के लिए जाना जाता है। साइदान के इस पेपर के बाद कुछ इतिहासकारों ने पहली बार डेसिमल फ्रैक्शंस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने और उसके इस्तेमाल को समझाने का क्रेडिट अल-उक्लिदिसी को दिया है। इससे पहले कई सालों तक यह समझा जाता रहा कि डेसिमल पॉइंट और डेसिमल फ्रैक्शंस का आविष्कार 16th century के एक फ्लेमिश मैथमेटिशियन साइमन स्टीवन ने किया है, मगर अल-उक्लिदिसी की किताब मिलने के बाद यह साफ हो गया कि डेसिमल फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट का आविष्कार शताब्दियों पहले किया जा चुका था। यह कहना मुश्किल है कि डेसिमल फ्रैक्शंस का यह आइडिया उनका खुद का था या कहीं और से प्रेरित था, मगर इंडियन सोर्सेज में इसके गैर मौजूदगी इसके अरब इस्लामिक ओरिजिन की तरफ इशारा करती है। यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि अल-उक्लिदिसी उन स्कॉलर्स में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले डेसिमल पॉइंट्स के साथ डेसिमल फ्रैक्शंस का अपनी किताब में इस्तेमाल किया। अल-उक्लिदिसी की किताब पहली ऐसी किताब है जिसमें डेसिमल पॉइंट और डेसिमल फ्रैक्शंस के इस्तेमाल का रिकॉर्ड मिलता है, मगर फिर भी उस वक्त तक डेसिमल फ्रैक्शंस का यूज़ पूरे तरीके से सिस्टमाइज्ड नहीं था। अगले कुछ शताब्दियों में डेसिमल फ्रैक्शंस को और सिस्टमाइज्ड और रिफाइन किया गया। इसमें एक नाम अबू मंसूर अल बगदादी का भी आता है। 1427 में अलकाशी ने अपनी किताब मिफ्ताहल हिसाब में डेसिमल फ्रैक्शंस को और अच्छे तरीके से सिस्टमाइज्ड किया और धीरे धीरे डेसिमल फ्रैक्शंस उस रूप में पहुंची जिस रूप में आज हम उसे इस्तेमाल करते हैं, और इन सब का क्रेडिट जाता है अल-उक्लिदिसी को। आइए अब उस किताब के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से अल-उक्लिदिसी काफ़ी फेमस है। किताब का नाम है किताब अल फसूल फिल हिसाब अल हिंदी। किताब का जो एग्जिस्टिंग मैन्यूस्क्रिप्ट है वो ओरिजिनल की एक कॉपी है जिसे कॉपी किया गया था 1157 के अंदर। किताब के फ्रंट पेज पे हमें अल-उक्लिदिसी का पूरा नाम मिलता है।
किताब में यह भी मेंशन किया गया है कि ओरिजिनल कॉपी को 1952 से 1953 के अंदर डमास्कस में कंपोज किया गया था। इस किताब में अल उक्लिदिसी अपने लाइफ के बारे में भी बताते हैं। अल उक्लिदिसी कहते हैं कि उन्होंने वाइडली ट्रैवल किया, यानी कि बहुत ज़्यादा सफ़र किया, और इस जर्नी के अंदर उन्होंने मुलाकात की बहुत सारे मैथमेटिशियंस से। वो कहते हैं कि इन मैथमेटिशियंस से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। अल उक्लिदिसी ये भी दावा करते हैं कि उस वक्त का जो भी मैथमेटिकल टेक्स्ट था, जो एग्जिस्टिंग था उस टाइम पे, उन सब को अल उक्लिदिसी ने पढ़ लिया था। आइए बात करते हैं किताब के मेन कंटेंट के बारे में। किताब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किताब का फर्स्ट पार्ट इंडियन न्यूमरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है और उसके ज़रिए एक्सप्लेन करता है प्लेस वैल्यू सिस्टम को। अल उक्लिदिसी फर्स्ट पार्ट में ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि प्लेस वैल्यू सिस्टम में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन न सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के लिए है बल्कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ के लिए भी है, और ये एक्सप्लेनेशन डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ साथ सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी एक्सप्लेन्ड है। किताब के दूसरे पार्ट में अल उक्लिदिसी कन्वर्ट करते हैं एग्जिस्टिंग मैथमेटिकल मेथड्स को, यानी कि अल उक्लिदिसी के दौर में या फिर उससे पहले भी जो भी मैथमेटिकल मेथड्स लिखे गए थे उन सब को अल उक्लिदिसी इंडियन न्यूमरल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और बताते हैं कि उन मेथड्स को इंडियन न्यूमरल सिस्टम में कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब आते हैं किताब के थर्ड पार्ट की तरफ। किताब का जो थर्ड पार्ट है वो बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप है, यानी कि अल उक्लिदिसी इसमें उन सवालों के जवाब देते हैं जो एक आम स्टूडेंट पूछता है, यानी कि इस मेथड को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और इस मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं। इससे पता चलता है कि अल उक्लिदिसी एक टीचर भी रहे होंगे, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा दिलचस्प पार्ट है फोर्थ पार्ट, क्योंकि इस पार्ट में अल उक्लिदिसी ये दावा करते हैं कि जो भी इंडियन मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको चौक और ब्लैकबोर्ड का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप मेथड के अंदर प्रोसीड करते जाते हैं आपको फ्रिक्वेंटली नंबर्स को मिटाना होता है जो कि पेन पेपर में पॉसिबल नहीं है, मगर अल उक्लिदिसी इन मेथड्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि आप इन मेथड्स का इस्तेमाल पेन और पेपर में भी कर सकें। तो आज अगर हम एक्यूरेटली प्रिसिजन के साथ कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं तो उसका श्रेय जाता है अल उक्लिदिसी को।